गोश्त तो आपने हज़ारों बार बना के खाया होगा, तलावा आज मेरे कहने से ये लाल मसाला गोश्त तल के बना के खाइएगा, आप इसके फ़ैन हो जाएंगे, पेट भरेगा पर मन नहीं भरेगा आपका। तो ये लिया था मैंने आधी किलो गोश्त, ये मेरा मटन का गोश्त लिया था, ये मैंने लंबे में कट कर लिया था। इसमें डाल देंगे आधा नींबू और एक चम्मच डाल देंगे इसका अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी दो बड़े चम्मच चाय वाले चिकन मसाला, अगर आपके पास कबाब मसाला हो तो वो भी डाल लीजिएगा फ्रेंड, इसका ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके अंदर। और इसके अंदर डाल देंगे हम दो चम्मच कॉर्नफ्लोर का पाउडर और थोड़ा सा डाल देंगे फूड कलर और इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसको डाल के अच्छे से एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, आप चाहो तो ओवरनाइट भी रख सकते हो। तो ये देखें फ्रेंड, एक घंटा हो गया था मेरा, मैंने तेल रख दिया था, मीडियम आँच पर रखेंगे फ्रेंड गोश्त को। फिर इसको हम पलट देंगे और इसको सेकने में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा हाई पे मत सेकना, मीडियम गैस पे होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा सिक चुका है, इसका मैंने निकाल लिया, इसे मैंने प्याज के साथ सर्व किया था और इसमें मैंने डाला था चाट मसाला। तो लीजिए फ्रेंड, हमारा लाल मसाला गोश्त बनके बिल्कुल तैयार हो गया, इतना मज़े का बना था कि मैं बता नहीं सकती, बहुत टेस्टी। आप एक बार बनाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको भी मेरी कैसी लगी रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।